जो मसला है हमारा वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी सरकार ने जो ड्यूटी बनाई, आपको जानकारी है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर एक आला रियासत थी, लेकिन अब एड जी आगे साहब आ गए हैं और जो भी कानून कायदा है वो दो किस्म का हो रहा है रियासत जम्मू कश्मीर में। एक बीजेपी सरकार चल रही है रियासत जम्मू कश्मीर में और दूसरे पास वो हैं अदर देन जो है कांग्रेस एनसी पैंथर पार्टी और दूसरी जे जो बीजेपी सरकार है वो बना रही है कि कैसे नुकसान जो है हम कांग्रेस को पैंथर को एनसी को पीडीपी को देंगे। हम आज जो मसला है वो ये है कि हम पांच जो एक्स मिनिस्टर हैं जे एंड के, जिसमें गारूराम भी है, जसपाल कुंडल भी है, बाबू सिंह है, मूला राम है और एक्स जो एमएलए हैं वो भी पांच छः हैं। टोटल जो गिनती है वो 20 है। मैं प्रेस से बेनती करता हूँ कि हमारा जो सिक्योरिटी थी, हमारा पास जो था पीएसओ थे, ओनली दो दो थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारी सिक्योरिटी है वो एक्स मंत्री एक्स एमएलए एक्स एमएलसी जो थे विड्रा कर लिए, और जो बीजेपी के आदमी हैं जो चाहे वो एक वर्कर है उसके पास भी दो दो पीएसओ हैं, और जो एक्स एमएलए हैं बीजेपी के उनके भी पास जो है दो दो चार चार जो है पीएसओ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके थ्रू के जम्मू कश्मीर में जो है जो हमारे लोग हैं कांग्रेस के हैं, पैंथर के हैं, एनसी के हैं या पीडी के हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी है विड्रा कर लें ताकि ये लोग जीत के ना आए और जो हमारे लोग हैं बीजेपी वाले वो वहाँ से जाएंगे, लोगों से काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे और बिना हम जो लोग हैं बिना सिक्योरिटी के घर में बैठ जाएं ताकि इलेक्शन आने वाला है, और ये चाहते हैं कि ये मर भी जाएं, इनको मिलिटेंट भी मारें, सारे मारें, और जो है इसलिए उन्होंने जो है विड्रा की है हमारी जो सिक्योरिटी है। आपने देखा चार जो एक्स हमारे सीएम हैं उनकी पहले जो है विड्रा की है सिक्योरिटी। देखिए मेरे बड़े भाई चौधरी गारूराम जी ने अपनी बात रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं दो बार एमएलए बना हूँ, 2002 से लेकर 2008 तक, 2008 से लेकर 2014 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ और सांबा में रहता हूँ जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और इसी के साथ मैं कहता हूँ आए दिन वहाँ पर मिलिटेंसी की वारदातें होती रहती हैं। हमें ये समझ नहीं आई कि कौन सा इन्होंने प्रोटोकॉल रखा है सिक्योरिटी देने के लिए और सिक्योरिटी छीनने के लिए। आज हम भटनागर जी से भी मिले हैं, उनको हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया है और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें कुछ फील्ड में होता है तो ये हमारी ड्यूटी सरकार है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी, क्योंकि हमारी मूवमेंट को बंद किया जा रहा है। हमें दो पीएसओ मिले थे जो इन्होंने विदड्रॉ कर लिए हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनको सिक्योरिटी कब्ज दिया हुआ है, उनको व्हीकल्स दिए हुए हैं, ड्राइवर दिए हुए हैं, उनको पीएसओ दिए हुए हैं, और
हमें ये नहीं समझाते हैं कि ये कैसे इन्होंने ये क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इसको उस कोटी से बाहर निकाला दिया जाएगा, क्योंकि मैं बीजेपुर नेशनल हाईवे को रहता हूँ, आपने देखा होगा कई बार सांपा में मिलते सी जो है वो आ चुके हैं। मुझे याद है जिस दिन वो डेली एक्सेशन के वो छोटी जी, मैं वही खड़ा था जब उसको गोली लगी थी, वो बेचारा उधर गिर पड़ा था, मुझे पता है उस समय मैं एमएलए था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए, सरकार को दोबारा सोचना होगा और जल्दी से जल्दी जो लोग हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी पार्टियों के जो रूलिंग पार्टियों के लोग हैं उनको इन्होंने सिक्योरिटी भी दिए हैं, घर भी दिए हैं।